हिंद दोस्तों, UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे इंडियन डोमेस्टिक ओडी का, जो फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा आपके साउथ जोन और ईस्ट जोन के बीच में। उस मैच के बारे में तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे इन दोनों टीमों से जो हमारी फैंटेसी की टीम में होंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तो कुछ भी पार्ट स्किप मत करना। अगर स्किप कर जाओगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे, तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलिए बात करते हैं इस मैच की। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @UDCRI, एक सेकंड, हाँ तो ये दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, और नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा, तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की। तो अगर बात करें इस मैच की, तो पहले मैच पे चलते हैं, क्रिएट टीम पे जाएंगे, फिर फिल्टर लगाएंगे हम साउथ जोन की टीम के ऊपर। तो क्रिकबस पे चलते हैं और साउथ जोन का जो पिछला मैच है वो एक बार देख लेते हैं। ये रहा साउथ जोन का मैच, इन्होंने कितना बनाया, 262 बनाया दोस्तों, सिर्फ 3 ही विकेट इन्होंने लूज़ किया और ओपोनेंट के जो इन्होंने बॉलिंग किया, ओपोनेंट के 9 विकेट इन्होंने गिरा दिए थे। इसका मतलब क्या, इनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत ही मजबूत है। तो बॉलिंग में आपके 10 ओवर कौन कर रहे हैं, अर्जुन टेंडुलकर 10 ओवर कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर 10 ओवर कर रहे हैं 9 ओवर, एम रेडकर, सोजोमन ने 7 ओवर किया, विजय कुमार विशक ने 7 ओवर किया और वी कौशिक ने 7 ओवर किया दोस्तों। अगर बात करें इनकी बैटिंग की, ओपनिंग करें आपके कोनो कमल, मयंक अग्रवाल के साथ, फिर साय सुदर्शन, फिर जगदीशन, आर रायडू और वाशिंगटन सुंदर, कुछ इस तरह से हैं। जो हमारे वीडियोस ने पूरा देखा ना, जो इसने हमारे वीडियो को पूरा देखा, हमने बताया था क्लियरली साय सुदर्शन को कैप्टन जरूर बनाना है अपनी टीम में, जिन्होंने बनाया, जीता, एक तरफा जीता दोस्तों, जीता नहीं एक तरफा जीता। तो हाँ, चलते हैं डायरेक्टली मैच पे, क्रिएट टीम पे जाएंगे, उसके बाद फिल्टर लगाएंगे हम साउथ जोन के ऊपर। तो साउथ जोन के टीम के ऊपर हमें जो बॉलर सबसे पहले पिक करने हैं ना, वो बॉलर से एक बार देख लेते हैं। बैटिंग तो हम लेंगे, बैटिंग तो फिक्स ही है हमारा, पहले बॉलिंग देख लेते हैं। हम वी कौशिक के साथ ज़रूर जाएंगे दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर हमारे पास ज़रूर होंगे, उसके बाद शायद हम अर्जुन टेंडुलकर के साथ जाएंगे या फिर विजय कुमार विशाख, इन दोनों में से किसी एक के साथ हम ज़रूर जाएंगे, और सोजोमन और एम रेडकर का पिछला रिकॉर्ड भी एक बार देख लेंगे। तो जो प्लेयर्स फिक्स है वो उनको ले लेते हैं पहले। तो वी कौशिक हमारे टीम फिक्स है, अर्जुन टेंडुलकर का पहला मैच था शायद, दूसरा मैच था, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, वाशिंगटन सुंदर हमारे टीम में होंगे, रेडकर का शायद पिछला पहला मैच था, हाँ ये अच्छे बॉलर है, इनको हम लेंगे। ये तीन बॉलर्स तो हमारे टीम में कन्फर्म हो गए दोस्तों। तो पर शायद आज का मैच, ये अगर साय किशोर और केवरअप ये दोनों खेलते हैं ना, इन दोनों तो हमारे टीम में मस्ट बन जाएंगे। किसी भी प्लेयर को मैं ड्रॉप कर दूंगा, पर इन दोनों को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा अगर ये दोनों खेलते हैं फाइनल मैच, जो खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फाइनल मैच है ना दोस्तों। तो बैटिंग में हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन है, बैटिंग में आपके पास ऑप्शन है कुन्नू कमल का, मयंक अग्रवाल शायद खेलेंगे नहीं, तो कुन्नू कमल और साय सुदर्शन दोनों आपके पास ऑप्शन है, फिर सुंदर तो हमने टीम पर रख ही लिया है, फिर जगदीशन को आपको अपनी टीम में रख लेना है। तो पहले ले लेते हैं, या से हम सुदर्शन को लेंगे, कुन्नू कमल को लेंगे और जगदीशन, तो ये 6 प्लेयर्स हमारे टीम में हो गए। शायद मैं मयंक अग्रवाल के साथ जाओ अगर ये खेलते हैं, पर इनका खेलना मुझे नहीं लग रहा कन्फर्म है क्योंकि पिछले मैच में रिटायर्ड आउट हो गए थे,
जो भी हो, तो ये 6 प्लेयर्स अभी के लिए हमारे टीम में होंगे, जो कि जगदीशन है, कुन्नू कमल, साई सुदर्शन, सुंदर, रेडकर, कौशिक। अगर मयंक अग्रवाल खेलते, मैं कुन्नू कमल को ड्रॉप करूँगा, उनके बदले में डायरेक्टली ले लूँगा मयंक अग्रवाल को। ये चीज़ याद रखना, शायद मैं आगे ना बताऊँ, ये चीज़ बात याद रखना दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो अगर बात करें दूसरी टीम की, जो कि है आपकी ईस्ट जोन की टीम, ईस्ट जोन में भी बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स मौजूद है दोस्तों। इतनी आसानी से थोड़ी ये मैच हार जाएगी। इन्होंने भी 319 बनाया था दोस्तों अपने 50 ओवर्स में, और ओपोनेंट को दोस्तों 162 पर ऑल आउट कर दिया था। मतलब समझिए कितना अच्छे इनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों है। तो दोनों काफ़ी बढ़िया टीम फाइनल पर गई, डिजर्विंग टीम गई फाइनल पर दोस्तों। जो टीम फाइनल जाने के डिजर्व करती थी वो लोग ही गए। तो ओपनिंग करें आपके ईश्वर उत्कर्ष सिंह के साथ, उत्कर्ष सिंह की बात करें बॉलिंग भी करते पार्ट टाइम, ये याद रखना। विराट सिंह, ऋषभ दास, सौरभ तिवारी, रियान पराग, खुशकर्क, शहबाज अहमद, कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। अगर बॉलिंग की बात करें आपको खेलते हुए दिखेंगे मुराद सिंह, जो बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है दोस्तों इस टूर्नामेंट में, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये जो है ना प्लेयर है ना मुराद सिंह, ये आपके त्रिपुरा के प्लेयर है दोस्तों, बहुत अच्छी बॉलर है, ऑलराउंडर है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मुराद सिंह अच्छे ऑप्शन बन जाएगा आपके लिए। फिर उत्कर्ष सिंह जो ओपनिंग कर रहे बैटिंग, और 5 ओवर में 3 विकेट ले लेंगे दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। फिर शहबाज अहमद हमारे टीम बेस्ट होंगे, और रियान पराग, कौन कौन, उत्कर्ष सिंह, रियान पराग, एक ले लेते हैं ना पहले, मुराद सिंह, फिर उत्कर्ष सिंह, फिर रियान पराग, ये तीन, शहबाज अहमद, तो ये तो हमारे टीम में मस्ट हो गए। कौन, हमने इनको लिया, इनको लिया, इनको लिया, इनको लिया, तो एक बार चलिए बैटिंग देख लेते हैं। उत्कर्ष सिंह को हमने ले लिया, हमने रियान पराग को ले लिया, फिर शहबाज अहमद को ले लिया। अभी इधर से इन दोनों में से किस एक को हमें चाहिए, ईश्वरन या विराट सिंह, तो दोनों का रिकॉर्ड देख लेंगे एक बार। ईश्वरन की बात करें तो ठीक ठाक से एवरेज से परफॉर्म है, विराट सिंह की बात करिए भी एवरेज से परफॉर्म कर रहे होंगे, हाँ हम विराट सिंह के साथ जाएंगे दोस्तों। तो ये बनेगी हमारी टीम, तो लगभग यही हमारी फाइनल टीम है। शायद मैं कुछ चेंज करूँ, शायद मैं चेंज ना करूँ, पर जो भी हो आपको तो मालूम चले जाएगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं टेलीग्राम से। जो भी नहीं जुड़े वो ज़रूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो क्योंकि हमारे फाइनल टीम वहीं पर आएगी, तो यहाँ से मैं कहूँगा कुन्नू कमल की जगह आप सर मयंक अग्रवाल ले लो, मयंक अग्रवाल को ले लो अगर ये खेलते हैं। शायद मैं एक सेकंड बोथ पर फिल्टर लगाते पहले बोथ, शायद मैं यहाँ से केवरअप्पा को ले लूँ, आशा किशोर को ले लूँ, किसके बदले में लूँगा टॉस के बाद मालूम चलेगा। तो सबके आंसर सबको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को। तो वाइस कैप्टन और कैप्टनसी की बात करें, मैं रियान पराग के साथ कैप्टनसी के साथ जाऊँगा, उत्कर्ष सिंह जैसे वाइस कैप्टन जाऊँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में रियान पराग दोस्त, बहुत ही अच्छे, और उत्कर्ष सिंह शायद मैं सी में उत्कर्ष सिंह को ही बना दूँ दोस्तों आगे, ये भी देखने की बात है मैं क्या करूँगा। तो जो भी आपको मालूम चले जाएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर ग्रैंड लीग की बात करें, ग्रैंड लीग में आपका ऑप्शन कौन है, साई सुदर्शन, शहबाज अहमद और मुराद सिंह, तीनों आपके लिए सबसे बड़े ऑप्शन बन जाएंगे ग्रैंड लीग्स के लिए दोस्तों। आप किसी के साथ भी जा सकते हो, आपको कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी के साथ भी आप जा सकते हो। तो स्मॉल लीग की फाइनल आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।